student of Bhaskar Institute of Mass Communication and Journalism. Today we are honored here with Engineer Alok Kumar, who is the HOD of Biomedical Engineering Department. Sir, first of all, we wanted to know your journey from the school going kid to the HOD of the department. थैंक यू अपूर्वा. मैं अपने स्कूलिंग की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जो अपना स्कूलिंग किया है वो अपने गांव के ही गांव में ही किया है, क्योंकि हमारे गांव में पहले इंटर कॉलेज नहीं था, अभी हाई स्कूल तक ही था. तो मैंने वहां से हाई स्कूलिंग की. इसके बाद मैं अपनी ट्वेल्थ की जो पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से बाहर उरई गया, और उरई से जाकर मैंने वही में वहाँ से इंटरमीडिएट किया. मैंने ट्वेल्थ 2007 में कम्प्लीट किया था. इंटर करने के बाद 4 साल इंडस्ट्री में जॉब की है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में मैंने नोएडा के अंदर 4 वर्ष तक जॉब किया. IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से मैंने VTech में एडमिशन लिया 2011 में, और 2015 में मैंने VTech पास करके और फिर से हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ और मैंने फिर जॉब किया. फर्स्ट ऑफ जॉब जो मेरी हुई है वो मैंने नोएडा में की है, और सेकंड इसके बाद मैं पुणे चला गया मारुति फैट लिमिटेड में, 1 वर्ष वहाँ पर किया. तो इस तरह से मैंने 2 साल बीटेक के बाद जॉब किया है. इसके बाद मैं अपने वापस फिर से एमटेक के लिए तैयारी करता रहा और एंट्रेंस के लिए देखता रहा, और अकॉर्डिंग टू तैयारी के अनुसार हमारा फिर AKTU का एंट्रेंस दिया मैंने, और उसमें 95.97% के साथ मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया. और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत झांसी में ही कॉलेज है, BIET बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, और वहाँ से मैं एमटेक 2019 में पास आउट होकर के यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में उस समय रिक्वायरमेंट आई हुई थी तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और मैंने वहाँ 2019 में ही 25 जुलाई 2019 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया. तब से मैं इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आज तक कार्यरत हूँ. So sir, what kind of facilities do you offer your students? बेसिकली फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो देखा जाए कि पहले तो कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है. जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2 लाख से कम होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. इसके लिए चाहे वो फिर वो कैटेगरी एनी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, इसके लिए बाउंडेड नहीं है, उसकी जो आय है पेरेंट्स की वो 2 लाख से कम होनी चाहिए. दूसरा ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ एक्सपर्ट लेक्चर भी कराए जाते हैं स्टडी के लिए, और बच्चों के लिए गेट के लिए तैयारी भी कराई जाती है, और इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है, इंटर्नशिप भी की जाती है, और जो वर्कशॉप होती है जैसे कि अदर इंस्टीट्यूट में कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती है तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम लोग प्रेरित करते हैं. इसके अलावा और जो जैसे कि हमारे जो एक मोस्टली बात यह है कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैंने इंडस्ट्री में लगभग 6 ईयर काम किया है, तो एज ए टेक्निकल रिपेयर हेड की तरह वर्क किया है, तो मैं बच्चों को वो इंडस्ट्री के भी जो नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करता हूँ, और जो लैब में प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं स्वयं से कराता हूँ. जैसे कि कुछ बच्चों को देखा होगा कि जब थ्योरिकल नॉलेज तो उनके पास हो जाती है, बट क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैं कैसे रेजिस्टेंस को लगाऊं, कैसे कंपोनेंट को इंसर्ट करूं, इन कंपोनेंट्स का कैसे सर्किट डिजाइन करूं, तो उसमें मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ शेयर करता हूं, और उन्हें प्रैक्टिकल वर्क में खुद स्वयं कराता हूं. इसके अलावा इंडस्ट्री में उनको कैसे क्वेश्चनिंग कैसे फेस करना पड़ता है, और इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिकली बैकग्राउंड में उन्हें जो काम करना होता है, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको मैं उस तरह से ट्रेन करता हूँ. तो ये तो हमारी पर्सनल तरीके से उनको ट्रेन करने की फैसिलिटीज है, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी गेट के लिए भी तैयारी कराने के लिए, और जैसे कहीं कॉन्फ्रेंसेस होती है, जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं और कुछ पेपर रिसर्च पेपर में काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं या रिसर्च में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अदर इंस्टीट्यूट में और हमारे इंस्टीट्यूट में भी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो उनमें भी पार्टिसिपेट कराते हैं. कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे हमारे माननीय BC सर हैं, उनके माध्यम से हमारे कॉलेज में काफ़ी समय वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही हैं. TNP सेल की तरफ से भी कुछ बच्चों के लिए इंटर्नशिप ये ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा अभी जस्ट ही HR समिट हुई है, तो उसमें भी हम बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, जिससे वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग
अपने आप को ढाल सकें और उसके जो डिमांड ऑफ इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट तैयार हो सकें। सो सर, व्हाट कोर्सेज डज योर डिपार्टमेंट ऑफर? बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट में ओनली अंडर ग्रेजुएट कोर्स अभी ऑफर किया जा रहा है। बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अभी चल रहा है और बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको। जो बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये हमारे सबसेट ऑफ मोर ब्रांचेज, बिकॉज कि जब हम मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो लोगों के स्टूडेंट के या उनके पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहले एक बात टच करती है कि बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें बायो लगा हुआ है तो उनको ऐसा फील होता है कि ये बायो से बिलोंग करती है। बट हमारी जो फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये बायो से बिलोंग नहीं करती है। यहाँ पर बच्चों का जो एडमिशन होता है वो PCM और PCM विथ बी हो तो हो जाता है, बट ओनली PCBC नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मैथ इंजीनियरिंग ब्रांच है और ये मैथ से ही बिलोंग करती है, ठीक है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे स्टडी करते हैं वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पर स्टडी करते हैं, जैसे कि थेरापूटिक इंस्ट्रूमेंट, डायग्नोसिस इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ओवरऑल आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी मेडिकल मेडिकल में डिवाइसेस यूज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, मशीनरी यूज हो रही है, उन सभी के बारे में हमारे यहाँ बच्चे स्टूडेंट स्टडी करते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इसमें स्टडी के साथ साथ रिसर्च में भी वर्क करते हैं। सो सर, व्हाट आर द एडमिशन क्राइटेरियाज? जी, एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया दो तरह से है। आप हमारे यहाँ जो सिक्स्थ, पहले हम सीट के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 60 सीट अवेलेबल हैं। इनटेक हमारा 60 का है, जिसमें 50% सीट्स हमारी क्या है, AKTU के द्वारा या जो जेई मेंस का एग्जाम होता है, एक जो NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके माध्यम से आकर के फिर उसके द्वारा AKTU है जो वो काउंसलिंग कराता है, उसके माध्यम से हमारे यहाँ 50% स्टूडेंट आते हैं और 50% स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी इंट्रेंस और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से आते हैं। सो सर, व्हाट आर द प्लेसमेंट क्राइटेरियाज? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मोस्ट स्टूडेंट क्या, सभी का एक ही सपना होता है कि मैं किस ब्रांच में एडमिशन लूँ और एडमिशन लूँ तो क्यों लूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ या एनीथिंग, किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूँ तो क्यों लूँ। तो सबसे बड़ा यही है कि हमें जॉब क्राइटेरिया कैसा है, जॉब कहाँ मिलेगी। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक उभरता हुआ ब्रांच है मेडिकल फील्ड का और इसमें हमारे यहाँ 100% जॉब है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं जिससे आपको चौंकने वाला एहसास होगा कि ऐसा भी है, हमारे पास पर डे 5 से 10 रिक्वायरमेंट पर डे आती हैं, बट मैं इंडस्ट्री को और हॉस्पिटल के जो रिक्वायरमेंट को उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है इसकी अवेयरनेस कम होने के कारण लोगों को पता नहीं है, बट ये जो ब्रांच हमारे यहाँ चल रही है ये हमारे यहाँ 2002 से स्टेब्लिश हुई थी, तब से रन कर रही है और उस समय लगभग हमारे यहाँ फुल इनटेक 60 का चलता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अवेयरनेस को वैसे एड्स करते हैं वो कम हो पाया तो इस वजह से एडमिशन कम हुए। तो इसलिए हमारे यहाँ जो कंपनी, तो ऑफलाइन कैंपस ज़्यादा हमारे सिलेक्शन होते हैं, तो आप देखा जाए कि जो हमारे एलुमनाई हैं वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर इस समय पोस्टेड हैं। हाँ, जैसे अपोलो हॉस्पिटल में AGM पोस्ट पर हैं और मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में है, मुंबई में है, तो ऐसे ऐसे हायर पोस्ट पर बैठे हुए जो हमारे स्टूडेंट हैं तो उनको ही इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो ही कॉल करके बोलते हैं, पूछते कि सर आप यहाँ कितने स्टूडेंट हैं और मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उनकी ही रिक्वायरमेंट फिलफिल नहीं कर पाता हूँ। और अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए भी मैं हेल्प करता हूँ कि जब हमारे पास नहीं है तो अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं कि उनको ही जॉब मिल जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 100% जॉब है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जब इंडस्ट्री आती है, अदर ब्रांच के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कंपनियाँ आती हैं तो वो क्या करती हैं, 10 से 50 रिक्वायरमेंट है तो हमारे 100 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपनियाँ उनको सोचती है कि मैं उनमें से कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट करूँ, चुन करके सिलेक्ट करूँगी। लेकिन हमारे यहाँ एक इसका अपोजिट है, हमारे यहाँ बच्चे कम हैं, इस वजह से जो इंडस्ट्री के जो हमारे यहाँ आते हैं तो बच्चे चूज ये करते हैं कि मैं इस कंपनी में जाऊँ या उस कंपनी में जाऊँ,
फिर बच्चों के अंदर ये रहता है कि जो कंपनी मुझे ज़्यादा पैकेज दे रही होगी मैं उसमें चला जाता हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ बच्चे जो कहते हैं ना क्लास में एक लास्ट नंबर का बच्चा होता है वो भी आज तक बैठा नहीं है, और इस तरह से हमारे 100% प्लेसमेंट है। मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है क्या। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं उन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को के द्वारा हम बायोलॉजिकल जो इश्यूज हैं जो हमारे पेशेंट्स हैं उसकी जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको हम क्या करते हैं उसको सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि आप जान इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से पेशेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। ऐसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड इस तरह की जो मशीनरी यूज होती है ये डायग्नोसिस पर्पज से यूज होती है, ये डायग्नोस करती है। और इसके अलावा आपने ECG के बारे में सुना होगा, ECG है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, EEG है, EMG है, PCG है, इस तरह की ये डिवाइसेस हैं। ये सारी डिवाइसेस के बारे में हमारे यहाँ स्टडी करते हैं बच्चे, और ये स्टडी करने के बाद उसमें उनको जो जॉब क्राइटेरिया है वो मोर जॉब क्राइटेरिया मिलते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रिसर्चर्स और भी मैनी मोर पोस्ट हैं जो बच्चों को मिलती हैं। सेल्स में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, इंडस्ट्री में एज ए क्वालिटी इंजीनियर जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जाते हैं, एज ए इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, आउटगोइंग क्वालिटी कंट्रोल पर पोस्ट पर हमारे बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। तो और ये तो हमारे इंडिया के अंदर तो अभी जो है वो क्राइटेरिया है ही, बट फॉरेन में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो हमारे बच्चे कुछ फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं, कुछ इंडिया में भी है, कुछ फॉरेन में भी कर रहे हैं। तो आपको इसमें जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं है किसी भी तरह से। अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो आपको 100% जॉब मिलेगी। और आगे जो फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं तो मेडिकल फील्ड कभी समाप्त होने वाली फील्ड नहीं है, और जैसे ही एडवांस हम टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हमारी डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक्स, सर्जिकल डिवाइसेस एडवांस होती जा रही हैं। तो हमारा ये स्कोप आगे दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा और बच्चों को जॉब मिलती रहेगी और सक्सेस होते रहेंगे। थैंक यू सर।